आज मैं आपके साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेहद आसान है और घर की ही कुछ ही चीजों से आप अपना स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ सोनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी स्किन को झाइयों से बचाएगा, झुर्रियों से बचाएगा, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का काम करेगा अगर आप इसे रोज रात को सोने से पहले लगाएंगे, और आपकी स्किन बहुत ज्यादा चमक उठेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें अपनी स्किन को करना है साफ, मतलब हम अपनी स्किन पे जमी हुई जो परत है, मैल है, उसे हटाएंगे। उसके लिए हमको चाहिए यहाँ पे कच्चा दूध। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि कच्चा दूध हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ये ब्राइट करता है, झुर्रियों को आने से रोकता है, स्किन की डीप क्लीनिंग करता है। इसमें होता है लैक्टिक एसिड, जी हाँ, जो कि महंगे से महंगे क्लेंजर में यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा दूध, वो दूध जिसे हम उबालते नहीं हैं। आपके घर में कोई भी दूध आता हो आप उसे यूज कर सकते हैं, बट उसको उबाले नहीं। यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच भर के लिया है कच्चा दूध। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, लगभग 1 टीस्पून के अराउंड हम इसमें डालेंगे हनी। हनी में एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारी स्किन को टाइट करती है, मॉइस्चराइज करती है, रिंकल्स को, फाइन लाइंस, एक्ने को आने से रोकती है और डार्क स्पॉट्स को भी दूर करती है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी, टाइट होगी और आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल छोटे दिखेंगे अगर आप इसे रोज फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ हनी 1 टीस्पून, लगभग 1 छोटा चम्मच के अराउंड मैं इसमें डाल रही हूँ हनी। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, दोनों चीजों को आपको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देना है। ये हमारा बढ़िया सा क्लेंजर तैयार है, ठीक है। आप चाहें तो मार्केट वाला कोई भी क्लेंजिंग मिल्क यूज कर सकते हैं, बट मुझे हमेशा घर की नेचुरल चीजें ही सूट करती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा घर की चीजों से ही अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। देखिए, अच्छे से आप चाहें तो मिक्स कर दें तो आपका ये क्रीम से कलर का हो जाएगा दूध। देखिए, अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है एक कॉटन पैड। ये मैंने कॉटन बॉल लिया है, इसमें मैं इसे डिप करूँगी। आप चाहें तो अपने हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में कम से कम 1 से 2 मिनट तक मैं करूँगी मसाज। यह आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को पोषण तत्व देगा, ताकि आपकी स्किन को भी सारे न्यूट्रिशन मिले और आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहे। तो ऐसे आपको मैं इसे लगाऊंगी अपने चेहरे पे। कि आप हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ऐसे मसाज करते करते अपने पूरे चेहरे पे इसे लगाना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप मसाज करेंगे तो ये दूध आपकी स्किन पे अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा और ये जो दूध का कलर है ये एक तरह से मैला मैला सा हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी स्किन की डीप क्लीनिंग करता है और आपकी स्किन पे जमी हुई मैल मिट्टी गंदगी को भी दूर करता है। मात्र इसी के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन पे फर्क देख सकते हैं अगर आप इसका रोज इस्तेमाल करेंगे तो। लगा लिया है जितना भी दूध है, मेरी स्किन ने अच्छे से पी लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे क्या करना है, आपको कर देना है वॉश नॉर्मल पानी से। तो चलिए मैं वॉश करके आती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है और मेरी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है और मेरी स्किन भी डल हो गई थी, टैन हो गई थी, थोड़ी सी डार्क हो गई थी, तो मैं इसे लगाऊंगी तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले भी लगाती थी। तो चलिए, अब हमारा है नेक्स्ट स्टेप टोनर का, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये हम आज करेंगे, जो कि एक बेटर स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप हेल्दी, ग्लोइंग, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस स्किन चाहते हैं तो CTM जरूर करें। तो एक तरह से CTM है। तो हमने कच्चे दूध से क्लीनिंग की थी, अब हम करेंगे टोन करेंगे अपनी स्किन को, मतलब अपनी स्किन को pH बैलेंस को लेवल बैलेंस करेंगे और हमारी स्किन पे जितने भी एजिंग साइंस हैं वो इससे, रोज वाटर से अच्छा कोई हमारा टोनर नहीं हो सकता। अगर आप मार्केट वाला लेना चाहते हैं कोई ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो अल्कोहल फ्री हो। बट मुझे सबसे अच्छा लगता है नेचुरल, तो ये है गुलाब जल। अगर आपके पास घर का होममेड गुलाब जल है तो वो और भी अच्छा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डाबर का गुलाब बेरी यूज कर रही हूँ। गुलाब जल क्या करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन पे होने वाले एजिंग साइंस को दूर करता है, स्किन के pH लेवल को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूंगी गुलाब जल अपने हैंड्स पे ही और इस तरीके से मैं अपनी स्किन पे ऐसे टैप टैप कर दूंगी। ये देखिए, ऐसे मैं अच्छे से प्रेस करूंगी ताकि जितना भी गुलाब जल है मेरी स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो लगभग मैंने 1 चम्मच भर के लिया था, छोटा चम्मच,
गुलाब जल। तो आप देख सकते हैं स्किन इसे लगाने के बाद ही बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सोचा आपके साथ स्किन केयर रूटीन में आपके साथ फॉलो अपना भी स्किन केयर कर ही लेती हूँ आपको बताते हुए। तो ये अच्छे से मैंने, ये देखिए ये जो गुलाब जल है मेरी स्किन ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो हमारा अगला स्टेप है, इसको वॉश नहीं करना है, मॉइस्चराइज का सीटीएम किया, क्लेंजिंग करी हमने, टोनिंग करी, अब जो हमारा मॉइस्चराइजिंग का रह गया है उसके लिए आप चाहे कोई भी नाइट क्रीम ले सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो। बट यहां मैं आपको नेचुरल सिर्फ दो चीजों से बनने वाला एक नाइट क्रीम शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेहद आसान है, बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इसको स्किन केयर को रोज फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्किन डे बाय डे अच्छी ही करती जाएंगे, आपको किसी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम क्रीम बनाते हैं कि कैसे बनती है। हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को रिंकल्स फाइन लाइन से दूर करता है, त्वचा के दाग धब्बे काले निशान को हटाता है, स्किन को नमी पहुंचाता है, हाइड्रेट करता है, पानी के लेवल को मेंटेन रखता है, क्योंकि इसमें 99% पानी होता है, उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं 23 से 24, जो कि इतनी अच्छी स्किन को बहुत, एक अच्छी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं लगभग एक पंप लूंगी, देखिए इतना अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इतना मैं इसमें लूंगी अपना एलोवेरा जेल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैंने लगभग एक पंप, आप चाहें तो ज़्यादा, एक बॉटल या कोई डब्बी ले लें, उसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी क्रीम बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम बना के आप आराम से 1 से 2 महीना चला सकते हैं। तो ये है हमारी विटामिन ई की कैप्सूल, ये देखिए विटामिन ई की कैप्सूल है, ये है हमारी विटामिन ई, ईवीएन की है ये, और ये 400 mg की है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगी, 40 ये है 3700 रुपये की, और इसमें कम से कम 10 टैबलेट्स हैं। ये हमारे बालों के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, एजलेस बनाता है। तो यहाँ पे ये कैप्सूल में कम से कम 5 से 6 ड्रॉप्स होती हैं, एक ऑयल होता है गाढ़ा। तो फिलहाल मैं एक बारी के लिए यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और नॉर्मल है। तो मैं यहाँ 1 से 2 ड्रॉप्स डालूंगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 1 ड्रॉप डालें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप 2 से 3 बूंदें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक पंप एक बार के यूज़ के लिए। तो इसको हम कैंची से कट कर देंगे। ये मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बूंद मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ई की, दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो एक ट्रांसपेरेंट सा जेल बन जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और आप इसे रोज अपनी स्किन पे जरूर लगाएं, तो आपको ये अच्छे से अपने पूरे चेहरे पे लगानी है क्रीम, और हल्के हल्के हाथों से आपको करनी है मसाज, ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से डीपली पेनिट्रेट हो जाए। आपको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट तक आपको करना है ऐसे, गर्दन पे भी जरूर लगानी है, क्योंकि जिसकी सैगिंग नेक है, मतलब यहाँ पे गर्दन के आसपास स्किन थोड़ी लूज हो गई है, वहाँ के लिए भी अच्छी है। तो आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ऐसे करना है 1 मिनट तक। देखिए मेरा तो स्किन केयर रूटीन हो चुका है नाइट स्किन केयर रूटीन, आप भी जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आपको इस स्किन को फॉलो करने में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है, और अगर आप इसे रोज लगाएंगे तो आपकी स्किन डे बाय डे बहुत ही अच्छी होती जाएगी। आप इसे जरूर ट्राई करना, और इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस नाइट स्किन केयर रूटीन को। आई होप मेरी आज की वीडियो मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मैं मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोज के साथ, टिल देन फ्रेंड बाय बाय, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।